Hi, and joining us on midday.com, we have Big Boss OTT contestant and digital creator Manisha Rani. Hi. हाय पहले तो आप ये बताइए कि आपको अप्रोच कैसे किया गया था एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? एक्चुअली मुझे वाइल्ड कार्ड सीजन 16 के लिए भी अप्रोच किया गया था, बट मुझे कभी भी वाइल्ड कार्ड नहीं करना था। तो वो लोग मेरे टच में ही थे, तो इस बार ओडीटी के लोग उन्होंने मुझे बोला, ऑफर किया, तो फिर मैंने कर लिया। क्योंकि मुझे हमेशा से स्टार्टिंग से करना था, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग, ऐसे वाइल्ड कार्ड बन के कभी नहीं करना था। एंड आपने पिछला सीजन देखा है एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन उसके बारे में? एंड जो विनर बनी थी दिव्या अग्रवाल, वाज शी समवन यू आल्सो वोटेड फॉर यू आल्सो लाइक? एक्चुअली ऑनेस्टी के साथ कहूँ तो मैंने पिछला सीजन नहीं देखा ओटीटी का, और बिग बॉस मेरा फेवरेट शो रहा है, बट हम कंटिन्यू ऐसे नहीं देख पाए। कुछ कुछ एपिसोड देखे हैं, कंटिन्यू नहीं देख पाए, तो फिर इसलिए। बट यही है कि जब कोई विनर बनता है तो डेफिनेटली उसमें कुछ बात होती है, वो वैसा डिजर्व करते तो बनता। एंड आपका जो फैन बेस है, बिकॉज इंस्टाग्राम पे आप बहुत पॉपुलर हो, तो आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए. लाइक इतना बड़ा फैन बेस, यू नो, आपके हिसाब से क्यों आप लोग आपको इतना पसंद करते हैं जो आपका कंटेंट है? मुझे लोग इसलिए बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि लड़की होके जो हम कंटेंट बनाते हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है, जैसे अगर आपको मानो आपका दो एक बॉयफ्रेंड एक पति दोनों है, ठीक है, तो आप पब्लिक में कभी थोड़ा बताएंगे कि मेरा बॉयफ्रेंड और पति दोनों है, ऐसा वाला। तो मतलब लोग कुछ गलत भी करते हैं तो उसको हमेशा हाइड करते हैं, बट आई एम द लड़की जो वीडियो में भी सब कुछ ऐसा बोल देते हैं जो लोग रिलेट करते हैं कि अरे यार ये इतना सच कैसे बोल दी, ये इतना मतलब इसको, मतलब शायद में भी 10 लोग मुझे ये भी बोले, यार ये तो हमेशा लड़का का ही टॉपिक लेती है, ये तो हमेशा बोलती मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को रिचार्ज चाहिए, मेरा खर्चा उठा दो। बट रियल लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा करता है, तो हम जितने बिंदास और बोल्ड होके जो वीडियो बनाते तो लोगों को लगता है यार ये तो इतना सच कैसे बोल दी है। तो इसलिए लोग मुझे बहुत ज्यादा मुझसे रिलेट करते हैं और उनको लगता है कि हाँ ये लड़की बहुत ऑर्गेनिक है, रियल है। तो जो इतना मतलब गट्स चाहिए इतना ज्यादा खुद को ऐसे बताने का या फिर प्रेजेंट करने का। और ये शो भी ऐसा है कि आपका रियल पर्सनालिटी दिखेगा, मतलब आप ज्यादा देर एक्टिंग नहीं कर सकते. कोई भी हो, एक्टर भी हो, तो फिर भी रियल पर्सनालिटी दिखेगा. तो इज दैट समथिंग आप यू नो रेडी हो, बिकॉज आप वैसे भी सोशल मीडिया पे रियल हो जैसे आपने बोला. नहीं एक्चुअली बिग बॉस हम इसलिए ही करना चाहते थे क्योंकि हम रियल में इतनी मस्त हैं कि मुझे लगता है कि बिग बॉस तो मेरे लिए परफेक्ट है। क्योंकि 24 घंटे कोई एक्टिंग नहीं कर सकता, स्क्रिप्ट नहीं बोल सकता, और हम चलता फिरता कंटेंट है, मतलब हम रियल लाइफ में ही अपनी इतनी मस्त है कि जो मेरे आजू बाजू लोग रहते हैं सब बोलते हैं यार तुम ना ओरिजिनल, तुमको किसी चीज का जरूरत ही नहीं है, तुम चलता फिरता कॉन्टेंट हो। तो हम ओरिजिनली बहुत खुद को भी पसंद करते हैं, लोग मुझे ऐसे ही पसंद करते। हाँ, और लोग ये भी मानते हैं कि जो टीवी एक्टर्स हैं, हर सीजन में टीवी एक्टर्स होते हैं, उनका बिकॉज वो पॉपुलर फेस है एंड लोग यू नो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उनके किरदारों को, तो आपको लगता है वो उनका एडवांटेज है? हाँ वो उनका एडवांटेज है, बट मेरा भी एडवांटेज है कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, और आजकल लोग टीवी सीरियल देखने से ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करते हैं, रील्स देखते हैं, टिकटॉक देखते हैं। वो आपको भी पता होगा कि आजकल सोशल मीडिया ज्यादा चलता है, तो अगर वो एक्टर है तो हम भी इन्फ्लुएंसर है जिसको लोग ज्यादा देखते हैं और पसंद करते हैं। एंड कोई आपको ऐसे मिले जो यू नो आपको बहुत प्रोवोक करता है या झगड़ा करता है बहुत, तो आप उसके लिए भी तैयार हो? बिकॉज शो ही ऐसा है, फॉर्मेट ही ऐसा है कि लोग करते ही है. हाँ हम तैयार हैं कि अगर लोग, चलो 10 लोग मुझे प्यार करेंगे, तारीफ करेंगे, तो कुछ लोग तो ऐसा करेंगे, तो मेरा माइंड ऐसा, देखो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, हमेशा नॉर्मल लाइफ में लोग हमेशा तारीफ ही करते हैं। तो अभी बिग बॉस में मेरा जाके खुद भी मेरे को पता नहीं कि रिएक्शन मेरा क्या होगा, बट हम ट्राई करेंगे हम अपने जॉली अंदाज से जितना हो सकेगा अपनी चीजों को हैंडल करने का। लेट्स सी, इवन मुझे भी नहीं पता कि उस टाइम शायद मेरा रिएक्शन क्या हो ऐसा। एंड लोग आपके डांस को भी बहुत पसंद करते हैं, तो एनी परफॉर्मेंस जो आपने प्लान किए हैं कि घर में करते हैं? सच के सोचे तो बहुत कुछ थे कि जाने से पहले इतना प्रैक्टिस करेंगे करेंगे, बट इतना बिजी शेड्यूल के कारण हम घंटा कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो वैसे हम डांस थोड़ा बहुत ऑन द स्पॉट भी कर लेते हैं, तो कभी ऐसा कुछ होगा तो रोज ऐसे, मेरे को पता है हम ट्विंकल ये वो तो करेंगे ही, तो जो हो सकेगा वो होगा। एंड फाइनली इस बार सलमान खान होस्ट करने वाले हैं, तो उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जो वो रेगुलर शो भी होस्ट करते हैं, ओटीटी भी होस्ट करेंगे अब, तो उनके बारे में. बहुत खुश है क्योंकि सलमान खान मेरे फेवरेट, और हमेशा से चाहते थे कि सलमान खान ही होस्ट करे, तो वो कर रहे हैं, तो बहुत बहुत ज्यादा खुश है, स्पेशली उनको लेके ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है। एंड फाइनली एनी मैसेज आपके फैंस के लिए जो आपके लिए वोट करना करने वाले हैं?
अपने फैंस को हम सबको यही कहना चाहेंगे कि आप मनीषा रानी का एक वीडियो देख के 30 सेकंड की वीडियो में इतने खुश हो जाते हैं, तो जब 24 घंटे आपको मनीषा रानी लाइव दिखेगी तो आप कितना खुश होइएगा और आपको कितना मजा आएगा। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक शो के लिए. थैंक थैंक यू। बाय. सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया, गेट डायरेक्ट नोटिफिकेशंस ऑन ऑल आवर वीडियोस बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन.